दोस्तों आप ये देख रही है निकोन 5300D कैमरा है। दोस्तों हम लोग आज की वीडियो में सीखेंगे कि एक DSLR कैमरा में जो ये निकोन 5300D का कैमरा है, इसको हम लोग बेस्ट क्वालिटी वीडियो रिकॉर्ड में सेटिंग करना सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब वीडियो के लास्ट तक बने रहे, हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले चलिए हम लोग कैमरा को ऑन कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आप ये देख रहे हैं कैमरा ऑन हो चुका है। ठीक है, चलिए हम लोग इसका मेनू बटन पे जाते हैं। मेनू बटन पे जाके आपको यहाँ ना सेटिंग सेटिंग वाला बटन पे आना है। ठीक है, सेटिंग बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद हम लोग इस साइड आना है। उसके बाद देख रहे हैं कि यहाँ पर इस साइड आना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ आपको मिलेगा वीडियो में मेट का ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको पल और NTSC लिख रहे, तो आपको NTSC पे क्लिक कर देना है। ठीक है, ये हम लोग यहाँ से हो गया। उसके बाद क्या है, बैक आना है। उसके बाद हम लोग को जाना है यहाँ पर शूटिंग मेन्यू पर। ठीक है, उसके बाद हम लोग इस साइड आना है, तो स्क्रॉल डाउन होकर नीचे आना है। ठीक है, स्क्रॉल डाउन होकर नीचे आना है, तो आपको यहाँ दिखेगा वीडियो सेटिंग। ठीक है, वहाँ क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको फ्रेम का साइज लेना है। यहाँ पर आपको पूरा पूरा 60 60 पी लेना होगा। ठीक है, यहाँ क्लिक करते हैं। उसके बाद मूवीज क्वालिटी आपको पूरा नॉर्मल हाई, नहीं पूरा हाई लेना है। ठीक है, उसके बाद माइक्रोफोन, अगर आपका जो माइक अगर आप लगा रहे, ठीक है, तो यहाँ पर मैनुअल सेंसिटिविटी 10 रहेगा। ठीक है, अगर हम लोग माइक नहीं 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 लगा रहे हैं, तो हम लोगों का यहाँ माइक्रोफोन सेंसिटिविटी कम से कम हम लोग 15 तक कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इस वक्त हम लोग माइक नहीं यूज कर रहे। ठीक है, इस ना माइक यूज कर रहे, इसलिए हम लोगों का यहाँ पर 10 तक रहेगा। ठीक है, उसके बाद नॉइज रेडिएशन, ये अगर आप माइक नहीं यूज कर रहे तो इसको ऑन करना, अगर आप माइक यूज कर रहे तो ये तो ऑटोमेटिक डिसेबल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैनुअल सेटिंग यहाँ ऑन ही रखना। ठीक है, तो चलिए हम अभी इसको पूरा बैक आ जाते हैं। ठीक है, बैक आ जाते हैं और थोड़ा सा हम लोग वीडियो रिकॉर्ड करके देखते हैं। ठीक है, हम वीडियो का आउटपुट हम लोग आगे आप लोगों को वीडियो में दिखाएंगे। ठीक है ना, तो दोस्तों अपने आउटपुट देख लिया किस प्रकार का वीडियो क्वालिटी हम लोग को आ चुका है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, अपना ख्याल रखें।